हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाला व्लॉग मैं बहुत ज्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं होली की तैयारियाँ, गुजिया बना रही हैं, मट्टी बना रही हैं, और दूसरी साइड मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि हम लोगों को आज रात में ही निकलना था। होली की रात में ही हम लोगों को निकलना था। कहाँ जाना था वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक न्यूबॉर्न के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्या क्या चीज़ आपको पैक करनी चाहिए, सब कुछ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। और यहाँ पर रिद्धि फीड लेके सो गई है। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर आपका बेबी टॉप फीट पे है, कॉम्बिनेशन फीट पे है, तो आपको उसके निप्पल्स हमेशा चेंज करते रहना चाहिए एवरी 3 मंथ्स पे। आप 3 मंथ से पहले भी चेंज कर सकते हो, हमने भी 3 मंथ से पहले चेंज कर दिया था। आपको देखना पड़ेगा बेबी क्रैंकी तो नहीं हो रहा, फीट ले रहा है सही से या नहीं। इन बनारस तो मैं फटाफट से आप लोगों को अपना रूम टूर दे देती हूँ, जो 3 दिनों के लिए हमारा रूम है फिलहाल। सो दिस इज द वॉशरूम, और यहाँ से एंटर होते ही बहुत सारा सामान दिखेगा आपको, सो इग्नोर दैट। और यहाँ पे रिद्धि दूध पी रहा है, ये रिद्धि का फर्स्ट ट्रिप है और इतने छोटे बच्चे के साथ हमारा भी फर्स्ट ट्रिप है। रूम ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से ये है मेरा, जहाँ पे अभी मुझे सामान लगाना है। इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। ये पूरा कर्टेन खोल दिया जाए तो काफ़ी अच्छा सा रोशनी आती है यहाँ पे। और आई थिंक इधर से भी एक विंडो है काफ़ी बड़ी सी। मैं आप लोगों को हमारे साथ पूरा वाराणसी घुमाने की कोशिश करूँगी, जितना भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे उतना मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और यहाँ पे छोटू सा फ्रिज दिया हुआ है, जिसका आई थिंक हमें कोई काम नहीं लगने वाला है। और ये इलेक्ट्रिक कैटल है, जो कि काफ़ी अच्छा किया है इन लोगों ने, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि हम इलेक्ट्रिक कैटल नहीं ले जा रहे हैं तो कैसे वाटर वगैरह बॉयल करेंगे रिद्धि के लिए। वैसे होटल में होता है अरेंजमेंट वाटर बॉयलिंग का, बट स्टिल सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम रूम में ही वाटर बॉयल करके इसके लिए फॉर्मूला रेडी कर देंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब से ये ट्रिप प्लान हो रही थी ना, तब से बहुत सारी तैयारियाँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करके चल सकते पहले, तो जितना आपके दिमाग में आता जाए आपको वो चीज़ें प्लान करके ही चलनी चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है साथ में, सो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत आपको लगती ही रहती है। तो एंड मोमेंट तक मेरे पार्सल्स डिलीवर हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता था कि काम में आएंगी रिद्धि के साथ, ताकि स्मूथली हमारा ये ट्रिप हो जाए। सो अभी तो आए हैं, लेट्स सी। ओके, तो गाइस फ्रेश हो गए हैं और अभी जा रहे हैं लंच करने, तो लंच में मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। लंच में है दाल, राइस, थोड़ी सैलेड है, नमक है, अचार है, और ये क्या है, ये भी राइस है, इसमें दाल, इसमें दाल है, और ये वाले में पनीर, इसमें है पनीर, और दिस रायता, ये है रायता और रोटी। चलिए फिर मैं लंच करके आपसे मिलती हूँ। अब लंच के बाद मन कर गया है चाय पीने का, तो चाय बना रहे हैं। देखना गरम है, गरम, हाँ गरम, नहीं इतना गरम नहीं है, पता नहीं, ये गरम नहीं है ये वाला पानी। अच्छा गरम, इसमें गरम, हाँ केटल में है गरम, केटल में थोड़ा सा होगा। जो भी बॉटल्स रास्ते में यूज़ हुई थी वो सब मैंने यहाँ वॉश करके रख दिया। इसमें भी गरम करना पड़ेगा, चलो इसमें डाल देते हैं, अभी रास्ते के लिए तो सही होगा।
ये एक प्रीमिक्स टाइप का मिला है चाय का, इसको मिक्स करके देखते हैं ये चाय कैसी मिलती है। ओहो चीनी है, मोय मोय हो गया। ओके तो पहले हमने चाय का प्रीमिक्स समझ के चीनी डाली है, और क्या है इसमें मिक्स करने के लिए? अच्छा कॉफ़ी बनानी है। ओहो कॉफ़ी नहीं पीनी थी, चाय पीनी थी, चलो कॉफ़ी भी लेते हैं, इट्स ओके। ये चला गया मिल्क पाउडर, इसमें देखते हैं कॉफ़ी बन के कैसे रेडी होती है, कैसी लगती है। ओके तो कॉफ़ी रेडी हो गई है, देखते देखते कैसी बनी है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे काल भैरव मंदिर से दर्शन करके मणिकर्णिका घाट पे, वहाँ से हम लोगों ने बोट राइड ली थी। और जो हम लोगों की हालत ख़राब हुई है काल भैरव मंदिर में दर्शन करते टाइम, क्योंकि वहाँ पे लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी, प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से छोटा बच्चा, वो हम लोगों के साथ और ज़्यादा परेशान हो गई थी। बस ये शुक्र था कि पूरी लाइन रिद्धि सोती हुई थी, बस अंदर जब घंटियाँ वगैरह बजने लग गई थी तो वो उठ गई थी, तो उसके बाद उसने रोना चिल्लाना चालू किया था। इवन उसके कैरियर बैग में से हमें उसे निकालना पड़ गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी सफोकेशन फील हो रही थी उसमें। इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट करके ही चल रहे थे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा थोड़ा बहुत क्रैंकी तो होगा ही। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज है हमारा डे टू बनारस में। हम लोग गए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, वहाँ रुद्राभिषेक करवाया हम लोगों ने। वहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टिकट आपको अलग से लेनी पड़ती है, और आपको टाइम दिया जाता है रुद्राभिषेक कितने बजे से वो कराना है ना, कर होता है अलग अलग टाइम होता है। यहाँ रिद्धू खेल रहा है, आराम से इसने दर्शन कर लिया आज, है ना रिद्धू, है ना गुल्लू। दर्शन के लिए हम लोग उठ गए थे 2:30 बजे के आसपास हम लोग उठ गए थे, क्योंकि हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो 5 बजे की थी, 5 बजे से थी 4:30 की अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग 2 बजे उठ गए थे और रेडी वगैरह होके पहुंच गए थे मंदिर। पर यहाँ एक चीज़ थी कि रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं था, फ़ोन अलाउड नहीं था, तो सब कुछ हमने एक लॉकर में रखवाया था शॉप पर। सो, मैं क्लिप वगैरह कुछ ले नहीं पाई हूँ, छोटी मोटी जितनी भी क्लिप्स मैं ले पाऊँगी वो मैं लेते रहूँगी और ऐड कर दूँगी वीडियो में। और रात को कल हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं व्लॉग कर नहीं पाई थी कंटिन्यू। कल हम लोग गए थे मणिकर्णिका घाट पे, वहाँ से हम लोग गए थे अस्सी घाट पे, वहाँ से फिर हम लोग वापस होटल आ गए। और एक जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप लोग बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बेबी छोटा है, तो 2 चीज़ें तो मस्ट हैव हैं आपके लगेज में, जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। एक तो ये है डायपर चेंजिंग मैट, बहुत ज़्यादा ये काम आ रहा है हम लोगों को ट्रिप में। इसके नीचे यहाँ प्लास्टिक लगा रहता है, और यहाँ पर आप बेबी को लिटा के डायपर वगैरह चेंज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ये है बेबी हग का, आपको लव लॉक में भी मिल जाएगा, आपको बहुत सारे ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं डायपर चेंजिंग मैट, बट दिस इज़ मस्ट हैव। और एक और चीज़ है ये बेबी का टमी रोल ऑन, कॉलिक वगैरह का इशू नहीं आता इससे, ये लव लॉक का है, आप चाहे कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बट ये जो दोनों चीज़ें हैं ना लगेज में आपके मस्ट हैव हैं। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर अपने साथ रखो। ये मुझे रास्ते में भी काम आ रहा था और होटल रूम में भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। डायपर फ्री टाइम देना हो तो आप इस पर आराम से लिटा सकते हैं, मैं भी रिद्धि को इस पर लिटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए डायपर फ्री टाइम देने के लिए। आज का प्लान है शॉपिंग पे जाने का और कुछ एक्सप्लोर करने का, सो, जो भी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे और जितने भी क्लिप्स मैं लेते जाऊँगी वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करती जाऊँगी। बहुत सारी क्लिप्स तो बेबी साथ में हैं तो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, तो जितनी भी उसके साथ हम क्लिप ले पा रहे हैं वो मैं सारे आप लोगों से शेयर करूँगी इस वीडियो में।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ की गदोलिया मार्केट एक्सप्लोर करके, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी है हमने, और अब हमें थोड़ी देर में ही निकलना है गंगा आरती के लिए और बाकी सारी घाटों को एक्सप्लोर करने के लिए। आज है हमारा डे 3 बनारस में, 12 बजे तक हमें चेकआउट करना है और 3 बजे की हमारी ट्रेन है। और जितने भी कपड़े हम यूज़ करते जा रहे थे नीचे यहाँ पे अलमीरा में लगाते जा रहे थे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी ये सब मुझे पैक करना है तो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि ब्रेकफास्ट करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, तो मैं तो नहीं गई, हस्बैंड गए हैं, वो ब्रेकफास्ट करेंगे और मेरे लिए रूम में ही आएगा। तब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ और रिद्धि को भी देखना था तो इसलिए आज मैं ऊपर गई नहीं। मॉर्निंग, तो घर आ गए हैं हम लोग और फ्रेश वगैरह हो गए। मम्मी ने छोले और पराठे बनाए थे वो खा लिया, नाश्ता वगैरह हो गया था। थर्ड डे हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि रिद्धि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी तो हम होटल में ही रुक गए। उसके बाद मैक्स गए थे, वहाँ भी वो रोने स्टार्ट हो गया तो उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए सीधा होटल। फिर उसके बाद हमने पकड़ी अपनी ट्रेन और लौट आए अपने घर। तो आई होप आपको मेरा ये बनारस ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो डू लाइक सब्सक्राइब, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।